हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल ठंडाई मिक्स, जिसे आप 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही इजी है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। होली स्पेशल ठंडाई मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम 1 कप, पिस्ता 1/4 कप, खरबूजे के बीज 1/4 कप, सौंफ 1/4 कप, खसखस 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, केसर 1/2 टीस्पून, सूखी हुई गुलाब की पत्तियां 15 से 20। ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए ठंडा दूध 1 कप, चीनी 2 टीस्पून या स्वाद अनुसार। सबसे पहले ग्राइंडर जार में बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज, सौंफ, खसखस, काली मिर्च, केसर, और गुलाब की पत्तियां डालें। अब इन्हें तब तक ग्राइंड करें जब तक कि ये एक फाइन पाउडर ना बन जाए। लीजिए, ठंडाई मिक्स पाउडर तैयार है। इसे एक एयरटाइट कंटेनर या फिर ग्लास बॉटल में डालें और इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दें। आप इसे 6 महीने तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई बनाने के लिए एक बर्तन लें। अब इसमें 1 कप दूध डालें, अब इसमें 2 टीस्पून ठंडाई डालें, और स्वादानुसार चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसे 15 मिनट रख कर और फिर छान कर भी पी सकते हैं। लीजिए, ठंडाई तैयार है। इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लें। इसे केसर और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करें। और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और इसके मजे लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।